अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों, GHQ में जॉब्स आई हुई हैं जिसकी जो है लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर है। उसके अलावा SPSC में जो जॉब्स आई हुई हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 अक्टूबर। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है तो उसकी मैंने जो है अलग से दो वीडियोज़ बनाई हुई हैं, SPSC की अलग से, GHQ की अलग से, डिटेल वीडियो पर किस तरह आपने जो है वो अप्लाई करना है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वरना आप चैनल पर भी वो वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। अब यह है कि उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं GHQ के हवाले से कि उसकी जो हमें स्लिप निकालनी है, चालान स्लिप, वो कहाँ से निकालनी है, कैसे निकालनी है। देखिए, उसकी चालान स्लिप वहाँ से वेबसाइट से आपको नहीं मिलेगी। मैंने उसमें वीडियो में भी बताया हुआ है कि वहाँ पे वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, बल्कि आपने बैंक में जाना है। बैंक में HBL में जब जाएंगे तो वहाँ पर जो आम डिपॉज़िट स्लिप पड़ी होती है वही डिपॉज़िट स्लिप आपने लेनी है और उस डिपॉज़िट स्लिप को जो है वो फिल करना है। जैसे आप उसको फिल करेंगे तो उसके बाद जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई थी वो लिखनी है। उसके बाद उसके नीचे एक चालान नंबर आपके पास लिखा होगा, तो वो चालान नंबर जब आप फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे वेबसाइट पे, तो वो चालान नंबर जो उसके डिपॉजिट स्लिप पे लिखा होगा तो वो जाके आपने वहाँ पे लिख देना है और ब्रांच का नाम लिख देना है। उस तरह जो है आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। जो आगे का प्रोसीजर है वो बिल्कुल ही सिंपल है, यानी आपने जो है फॉर्म फिल करना है, बस ये चालान का मसला था। चालान नंबर आप लगाएंगे तो बाकी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, तो इस तरह जो है आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा GHQ का। 16 अक्टूबर तक आप सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है दूसरा जो था वो SPSC था, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी जो है 20 अक्टूबर को लास्ट डेट है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए मैंने प्रोसीजर साला पहले बताया कि वो बताया है, लेकिन अब ये है कि उसमें जो है काफ़ी दोस्तों को परेशानी है इस लिहाज से कि उसका चालान भी जो है किस तरह पे करना है। तो उसका चालान तो आपने ऑलरेडी जो है पे करते होंगे, तो उसका जो है चालान वहाँ आप जो है नेशनल बैंक में ही पे कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल बैंक में आपने पे करना है, उसका जो भी चालान है उस पर लिखना है, चालान डाउनलोड करना है, चालान डाउनलोड करने के बाद उस पर लिख के वो जाके जो है वो सबमिट करना है। फिर आके जो है आप में आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, यानी पहले आपने चालान पे करना है, उसके बाद आप जो है SPSC का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे चालान पे करके ऑनलाइन अप्लाई पे आओगे SPSC की वेबसाइट पे, तो वहाँ पर पहले आपसे मांगेगा कि आप भाई चालान की डिटेल बताओ कि कौन से बैंक में पे किया, कौन सा चालान नंबर है, उसके अलावा कौन सी इसकी डेट है। तो ये जब आप फिल करेंगे तो उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो है फॉर्म होगा जो आप जो है सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपको सिंपल जो है बस अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपने सिर्फ उस पे जो है चालान की इन्फॉर्मेशन लिखनी है और इन्फॉर्मेशन के बाद सबमिट कर देना है। तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी SPSC और GHQ की जॉब्स के हवाले से। होप की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।